मैं हूं मुबारक अली और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान। फतेहपुर शेखावटी के विधायक एवं राज्य वक्फ विकास परिषद के अध्यक्ष हाकम अली खान ने विधानसभा में अपने क्षेत्र की एक बार फिर आवाज़ उठाई। उन्होंने बीबीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, भींचरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, खोटिया गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने एवं चिरंजीवी बीमा योजना में बीमा कंपनियों की मनमानी खत्म करने, बाहरी राज्यों के मरीजों को SMS अस्पताल में समान लाभ दिलवाने, यूनानी अस्पताल खोलने एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति को प्रमोट करने सहित कई तरह की मांग रखी। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि प्रदेश के किसी भी नागरिक को इलाज के अभाव में मरने नहीं दिया जाएगा। मोदी इस योजना के लागू होने से पहले एक गरीब आदमी बीमार होने पर विचार करता था कि यदि मैं किसी प्राइवेट अस्पताल में जाऊं तो इलाज हो जाएगा, परंतु प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए खर्चे से डरता था, खर्चे के बारे में सोचकर वह अपना इरादा बदल देता था। परंतु हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जनता का सपना साकार किया है और चिरंजीव योजना लाए। इस योजना में एक आम आदमी अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में करा सकता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री मोदी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कुछ इस योजना में कमियाँ हैं उसके बारे में कि मैं अमूमन क्षेत्र के मरीजों से मिलने के लिए अस्पतालों में जाता रहता हूँ और वहाँ डॉक्टरों में मरीजों से मिलता हूँ, तो इस योजना में जो कमियाँ हैं वो ये है कि मरीज जब अस्पताल में जाता है और भर्ती होता है तो डॉक्टर उसको अप्रूवल के लिए भेजते हैं कि चिरंजीव योजना में इस पेशेंट का इलाज करना है, इस मरीज का इलाज करना है, तो बीमा कंपनियां वाले हैं वो एक्स्ट्रा कोई जांच लिख देते हैं कि ये जांच और करवाओ, जबकि डॉक्टर नहीं चाहता है कि ये जांच नहीं होनी चाहिए, इस डॉक्टर जांच की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी वो बीमा कंपनी वाले फिर भेज देते हैं कि नहीं ये जाँच कराओ, तो डॉक्टर कहते हैं कि इलाज हम कर रहे हैं या बीमा कंपनी वाले कर रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और बीमा कंपनियों को पाबंद किया जाए कि आप लोग जो डॉक्टर बताते हैं उसके हिसाब से आप लोग इलाज करो। महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मैं एक SMS की तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि SMS राजस्थान का नहीं, राजस्थान हरियाणा MP UP का क्षेत्र का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है और इसमें बहुत सारे मरीजों का भार भी है, लेकिन इसमें हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, UP के बॉर्डर के लोग भी यहाँ इलाज करने के लिए आते हैं। तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने राजस्थान के नहीं बल्कि पूरे भारत में ख्याति प्राप्त हैं कि राजस्थान में जो योजना मुख्यमंत्री ने निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवा की लागू कर रखी है, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए लोग आते हैं और जो अन्य स्टेटों से लोग आते हैं उनसे कुछ पैसे वसूले जाते हैं। तो डॉक्टरों का कहना है कि थोड़ा मुख्यमंत्री जी को कह करके और मंत्री जी को कह करके कि उन जो बाहर से जो अन्य स्टेटों से आते हैं उनका भी फ्री इलाज कराया जाए, इससे उन मरीजों को भी लाभ मिले। दूसरा ये कि राजस्थान फार्मेसी काउंसिल रजिस्टर करने के लिए जब बच्चे आते हैं, कोई बच्चे बाहर रोजगार के लिए जाते हैं तो उनको भी वो वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन करते हैं वो लोग चक्कर कटवाते हैं, तो उनको थोड़ा सरल किया जाए। मोदी, अब मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान मेरे विधानसभा क्षेत्र की ओर दिलाना चाहूँगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अधीन कस्बा रामगढ़ शेखावाटी जो काफ़ी पुराना शहर है तथा उपखंड मुख्यालय है, यहाँ पर 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काफ़ी समय से संचालित है और यहाँ भवन भी पहले से भामाशाहों द्वारा बनाया गया है, वो भवन काफ़ी बड़ा है, उसमें अगर 50 बेड का हॉस्पिटल कर दिया जाए 30 बेड की जगह, तो सारे संसाधन देने के लिए भामाशाह तैयार हैं, भवन तैयार है, सरकार को सिर्फ उसको क्रमोन्नत करना है। दूसरा, मेरे क्षेत्र में ग्राम बीबीपुर में एक PHC को CHC में मैंने निवेदन किया था कि CHC में क्रमोन्नत किया जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने रिप्लाई में बताया गलती से कि वो PHC को सब सेंटर में, तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि उसको CHC में किया जाए। मेरे विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर में 2 हाईवे गुजरते हैं, इस पर रोज़ दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो यहाँ ट्रॉमा सेंटर तो है पर चिकित्सक कोई पद स्थापित नहीं है, तो इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ एक ऑर्थो का डॉक्टर का पद और एक एनेस्थेसिया का एक सर्जन और नर्सिंग स्टाफ के पद स्वीकृत किए जाएं और वहाँ डॉक्टर लगाए जाएं। तीसरा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में खोटिया ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है, एक भींचरी ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर है, इन गाँव के आसपास में कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं है, इसलिए यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए तो लोगों को, गाँव के लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। मंत्री महोदय का ध्यान मैं दिलाना चाहूँगा कि पिछले दिनों आप
अपनी सरकार ने एक आदेश निकाला था जिस आदेश के तहत सभी सीएचसीओं पर और उपजिला अस्पतालों पर जो ड्राइवर और जो एलएचवी के पद थे वो समाप्त कर दिए गए। तो महोदय, ड्राइवर का पद समाप्त करने से वहाँ जो एम्बुलेंस हैं वो खड़ी रह गई। मेरे यहाँ फतेहपुर में दानुका उपजिला अस्पताल है, उसमें सर्वज्ञश्री श्री श्याम जी ओला के द्वारा एक एम्बुलेंस दी गई थी और वो एम्बुलेंस रोगियों के लिए काफ़ी सार्थक काम आ रही थी, लेकिन वो ड्राइवर की पोस्ट खत्म करने से वो ड्राइवर रिलीव हो गया, वो एम्बुलेंस खड़ी हो गई। इसलिए मैं आपके निवेदन करना चाहूँगी उस पोस्ट को वापस क्रिएट किया जाए। एक जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं उसमें पद नहीं है, उसमें पद स्वीकृत किए जाएँ, वो बहुत अच्छे चल रहे थे, लोगों को बहुत उनका लाभ मिल रहा था। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा उसमें पद स्वीकृत किए जाएँ। समाप्ति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि एनएम भर्ती 2018 में चयनित कुछ अभ्यर्थियों को जामिया अलीगढ़ से पास थे, उनका चयन होने के बाद भी उनको नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था, जो सरासर इन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। अभ्यर्थियों द्वारा इस प्रकरण को न्यायालय में चुनौती दी गई, माननीय न्यायालय ने इस निर्णय इनके पक्ष में किया, तो अब उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आयुष विभाग की महत्वपूर्ण यूनानी चिकित्सा पद्धति को दिलाना चाहता हूँ। महोदय, वर्ष 2013 में यूनानी चिकित्सा पद्धति के लिए अलग निदेशालय की स्थापना हमारी सरकार के कार्यकाल में हुई। इस पद्धति के जनक हिंदुस्तान के मशहूर हकीम अजमल खान साहब थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी रह चुके हैं। महोदय, प्राचीन काल से ही इस पद्धति से असाध्य रोगों का इलाज किया जा रहा था तथा ये एक लोकप्रिय पद्धति और अग्रसर है। महोदय, पिछले दिनों कोरोना काल में फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में यूनानी चिकित्सकों ने सराहनीय काम किया। जयपुर के रामगंज क्षेत्र तथा जोधपुर शहर को कोरोना मुक्त करने में यूनानी चिकित्सा पद्धति का महत्वपूर्ण योगदान था, जिससे जसोदा वितरण, विशिष्ट यूनानी दवाओं का काढ़ा तथा रोग प्रतिशोधक क्षमता को बढ़ाने वाली यूनानी दवाओं का वितरण किया गया था, जिससे संक्रमित की संख्या में कमी आई थी। महोदय, वर्ष 2013 में हमारी सरकार के कार्यकाल यूनानी चिकित्सकों के 358 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, परंतु गत भाजपा सरकार ने प्रक्रियाधीन भर्ती के 180 पद कम कर दिए थे, जिससे बहुत से यूनानी चिकित्सक वंचित रह गए थे। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यूनानी निदेशालय द्वारा प्रेषित यूनानी चिकित्सकों के नवीन 580 पद सर्जित किए जाने के लिए प्रस्ताव 4 माह पूर्व भेजा गया था। इस प्रस्ताव के नवीन पदों के सर्जन को प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति देकर यूनानी चिकित्सकों की भर्ती शुरू की जाए, जिससे आम जन तक यूनानी चिकित्सा पद्धति का लाभ मिल सके तथा सरकार का निरोगी राजस्थान का सपना साकार हो। जय हिंद, जय भारत।